हे एवरीवन, दिस इज मनप्रीत एंड आज हम बात करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ पपाया फॉर हेयर, मतलब पपीता हमारे बालों के लिए कैसे अच्छा है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, मैं इसकी एक प्रॉपर वीडियो बना चुकी हूँ जिसके अंदर मैंने सारे के सारे बेनिफिट्स बताए हैं पपाया के, कि वो हमारी हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए कैसे अच्छा। और जो ये वीडियो है ये भी उसी वीडियो से लिंक्ड है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो फटाफट जाकर वो वाली वीडियो भी देख लो। तो चलो आज शुरू करते हैं कि अगर हम पपाया को अपने हेयर के लिए अगर हम एक्सटर्नली, मतलब अगर हम बाहर से यूज करते हैं तो उसका क्या फायदा है। डेफिनेटली अच्छे बालों के लिए आपको अपनी डाइट तो अच्छी रखनी है, और अगर हम बात करें तो आपको पपाया जरूर लेना अगर आपको अपने बाल अच्छे करने हैं तो। लेकिन उसके अलावा हम पपाया को मास्क के थ्रू हम अपने बालों पर लगा सकते हैं, जिससे हमारे जो बाल हैं वो कंडीशन रहेंगे और हमारे बालों की हेयर ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो आज मैं दो रेमेडीज लेकर आई हूँ इसके लिए, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे ज्यादा जरूरी हमें खाना है पपाया, वो भी बहुत सारा, और दूसरा चाहिए हमें इसके सीड्स। और हम पपाया वेस्ट भी यूज कर सकते हैं, मतलब जो हमारा जो बीज है उसके नीचे से जो हमारी लेयर उतरती है हम उसको यूज करते हैं, या डायरेक्टली हम पपाया भी यूज कर सकते हैं। सीड्स के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ये डेड स्किन सेल्स को रिपेयर करता है और न्यू स्केल्स की जनरेशन में हेल्प करता है। तो आप जब इन दोनों को मैश कर एक ऐसा प्रोडक्ट बना लोगे तो आप इसको डायरेक्ट अपने स्कैल्प में यूज करें, आप अपने इसको स्कैल्प में हर एक रूट में लगाएं, और उसमें लगाने के बाद आपको अच्छे से देना है मसाज, बिकॉज ये बहुत ही माइन्यूट माइल्ड स्क्रबर की तरह बन चुका है। इसकी वजह से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा और हमारे बाल लंबे होंगे। दूसरा जो हमारे पास पैक आ जाता है, हम यहाँ पर बना रहे हैं एक कंडीशनिंग पैक। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लेंगे इक्वल अमाउंट ऑफ हमारा जो हमने ये मास्क बनाया है, और दूसरा हम इसके अंदर लेंगे दही। आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से इसको यूज कर सकते हो। मैंने फॉर अ ट्रायल मैंने 4 चम्मच इसके अंदर लिया है वो स्क्रब जो हमने बनाया है, और हम लेंगे इसमें 4 चम्मच दही। मैं क्रीमी दही इसके अंदर यूज कर रही हूँ, पतली दही हम यूज नहीं करेंगे बिकॉज हमें एज अ कंडीशनर चाहिए। तो हम इसको अच्छे से इन दोनों को मिक्स कर लेंगे, और इन दोनों को मिक्स करने के बाद हमको अपने स्कैल्प पर और हमें अपने पूरे बालों की लेंथ पर लगाना है, बिल्कुल एंड टिप्स तक। इससे क्या होगा, जितने भी हमारे हेयर है जो डेड हो चुके हैं वो हो जाएंगे रिपेयर। आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप इसके बीज भी साथ में पीस रहे हो तो इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा वॉश करते वक्त, इसलिए आप सिर्फ पपाया को ही मैश कर कर्ड के साथ यूज कर सकते हो अपना कंडीशनिंग पैक बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कंडीशनिंग पैक यूज करा है जिसके अंदर सीड्स, पपाया और दही है। इसको मैं 2 आवर्स के बाद धो दूंगी। सो टिल दैट टेक केयर, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच।